नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू संभव एजुकेशन। दिस इज आर्यन शुक्ला। दोस्तों, आज की क्लास में भारतीय संविधान से संबंधित 55 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बीएड प्रवेश परीक्षा में 4 से 5 क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। सभी लोग क्लास को ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए। तो सभी क्लास को ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर करिए। बताइए दोस्तों, जब राज्य में आपातकाल लगता है उस समय राज्य का जो शासन है ये किसके हाथ में होता है? सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। ऑप्शन दिए गए ऑप्शन इस प्रकार है, प्रेसिडेंट, मुख्यमंत्री, प्राइम मिनिस्टर या फिर मुख्य न्यायाधीश। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। वेरी गुड दोस्तों, यह सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टॉप के क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। क्लास को आप लोग ध्यान से देखिएगा। गुड इवनिंग। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, राष्ट्रपति। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, जब भी किसी राज्य में आपातकाल लगता है उस समय राज्य का जो शासन है यह राष्ट्रपति के हाथ में होता है। ए करेक्ट आंसर होगा आपका। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए दिया है उनका सही उत्तर है, करेक्ट आंसर है। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। जिसने अभी लाइव सेशन को लाइक नहीं किया लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर करिए। बताइए दोस्तों, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। बताइए दोस्तों, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? वेरी गुड दोस्तों, आंसर सभी लोग दीजिए। राइट या रॉन्ग आप लोग आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, दल बदल कानून से। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, भारतीय संविधान की जो 10वीं अनुसूची है यह दल बदल कानून से संबंधित है। ए करेक्ट आंसर होगा आपका। सभी ने करेक्ट आंसर दिया है। आज आपकी हिंदी की क्लास नहीं हुई है, कल से डेली आपकी हिंदी की क्लास होगी। शाम को 3 बजे कल से डेली क्लास होगी, आज आपकी नहीं हुई है। चलिए इसका आंसर करिएगा। वेरी गुड दोस्तों, गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। तो सभी लोग याद रखिएगा, भारतीय संविधान की जो 10वीं अनुसूची है यह दल बदल कानून से संबंधित है। ए करेक्ट आंसर होगा। आज की क्लास में हम भारतीय संविधान से संबंधित क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, परीक्षा में यहां से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। सभी लोग क्लास को पूरा देखिएगा और ध्यान से देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर करिए। लोकसभा में विपक्ष के पहले नेता कौन थे? इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर के लिए। बताइए दोस्तों, लोकसभा में विपक्ष के पहले नेता कौन थे? ऑप्शन पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। गुड, वेरी गुड दोस्तों, अभी क्लास शुरू हुई है। चलिए इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। देखिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, AK गोपालन। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, लोकसभा में विपक्ष के पहले नेता AK गोपालन थे। सो सी करेक्ट आंसर होगा आपका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी दिया है उनका राइट आंसर करेक्ट आंसर है। वेरी गुड दोस्तों, अब देखिए लोकसभा, इसे भारत में निम्न सदन के नाम से जाना जाता है, लोअर हाउस कहा जाता है। सबसे अधिक लोकसभा सीट्स, आप लोग याद रखिएगा, सबसे अधिक लोकसभा सीट्स उत्तर प्रदेश में 80 है। ये भी आप लोग याद रखिए, इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। बाकी अगर हम ऑप्शन की बात करें, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, B.R. अम्बेडकर, ये दोस्तों ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, सभी लोग याद रखिएगा। S. राधाकृष्णन, ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे, ये भी आप लोग याद रखिएगा। वल्लभ भाई पटेल, ये दोस्तों भारत के पहले गृह मंत्री थे और भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे, इनके बारे में याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आप सभी के राइट आंसर है। वेरी गुड दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर करिए। बताइए दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। बताइए दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा उपाध्यक्ष या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश को? इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। देखिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, लोकसभा के उपाध्यक्ष को। सी करेक्ट आंसर है। सभी लोग याद रखिएगा, अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है तो आप लोग याद रखिएगा, लोकसभा उपाध्यक्ष को। सी करेक्ट आंसर होगा आपका।
यस ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। आप परीक्षा में एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं, करंट का क्वेश्चन है ये, वर्तमान में भारत के, याद रखिएगा वर्तमान में भारत के लोकसभा अध्यक्ष कौन है, सभी लोग याद रखिए ओम बिरला हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर सिक्स के लिए, सभी लोग क्वेश्चन नंबर सिक्स के लिए आंसर करिए, वेरी गुड। बताइए दोस्तों राष्ट्रपति संसद के किस सदन का सदस्य होता है, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर सिक्स के लिए, वेरी गुड दोस्तों, सभी लोग आंसर करिए, ऑप्शन पढ़ लीजिए उसके बाद ही आंसर करिए, गुड बहुत अच्छे। बताइए राष्ट्रपति संसद के किस सदन का सदस्य होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, किसी भी सदन का नहीं, यस ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेवन के लिए आंसर करिए, अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर सेवन के लिए, बताइए दोस्तों सबसे अधिक राज्यसभा सीट्स कहां पर हैं, सभी लोग बताइएगा सबसे अधिक राज्यसभा सीट्स कहां पर हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात या फिर पंजाब, सभी लोग जल्दी से आंसर करिएगा, साथ में आप लोग ये भी बताइएगा सबसे अधिक राज्यसभा सीट्स कहां पर हैं और कितनी हैं, वेरी गुड बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, उत्तर प्रदेश में, यस ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, आप लोग याद रखिए उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक राज्यसभा सीट्स हैं, बी करेक्ट आंसर होगा आपका, कितनी है दोस्तों 31 है, यह भी आप लोग याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर करिएगा, बताइए दोस्तों अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है, यस अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए, बताइए दोस्तों अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है, सभी लोग इसका आंसर करिएगा, लोकसभा राज्यसभा दोनों में से किसी में भी नहीं या फिर नन ऑफ दी जिनमें से कोई नहीं, गुड सभी लोग आंसर करिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा लोकसभा, यस ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है, आप लोग याद रखिए अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाता है, ए करेक्ट आंसर होगा, सभी के करेक्ट आंसर हैं, वेरी गुड बहुत अच्छे, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर करिएगा, बताइए दोस्तों कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता संबंधित है, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए, बताइए दोस्तों कौन सा आर्टिकल धार्मिक स्वतंत्रता संबंधित है, ऑप्शन इस प्रकार है अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 25, सभी लोग जल्दी से आंसर करिए, वेरी गुड दोस्तों आंसर आप लोग दीजिएगा, राइट या रॉन्ग आप लोग आंसर करिए, गुड बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा अनुच्छेद 25, यस ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, डी करेक्ट आंसर है, अगर आपसे पूछा जाए कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता संबंधित है तो आप लोग याद रखिएगा आर्टिकल 25, डी करेक्ट आंसर होगा, ये दोस्तों एक फंडामेंटल राइट है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए वेरी गुड ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर करिए, अभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 10 के लिए, बताइए दोस्तों किन अनुच्छेदों में समानता का अधिकार वर्णित है, ये आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, बताइएगा किन अनुच्छेदों में समानता का अधिकार वर्णित है, अभी इसका आंसर करिएगा, गुड बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा अनुच्छेद 14 से 18 तक, यस ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है आपका, तो आप लोग याद रखिएगा अनुच्छेद 14 से 18 यह समानता के अधिकार से संबंधित है, ए करेक्ट आंसर होगा, यह भी दोस्तों फंडामेंटल राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का जिसने भी ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है, करेक्ट आंसर है, वेरी गुड दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आंसर करिएगा, बताइए दोस्तों भारतीय संविधान में जो देश का है इसमें बंधुता शब्द का अर्थ क्या है, सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए, बताइए दोस्तों भारतीय संविधान में जो देश का है इसमें बंधुता शब्द का अर्थ क्या है, सभी लोग जल्दी से आंसर करिएगा, मित्रता, राजत्व, भाईचारा या फिर नन ऑफ दी जिनमें से कोई नहीं, बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों, गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, भाईचारे से है, सी करेक्ट आंसर होगा आपका, ए करेक्ट आंसर नहीं होगा, आप लोग याद रखिएगा जो भारतीय संविधान के उद्देश्य का है उसमें दोस्तों एक शब्द है बंधता, इसका अर्थ भाईचारे से है, सी करेक्ट आंसर होगा आपका, यस ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, जिसने भी क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी दिया है
उनका सही उत्तर है, करेक्ट आंसर है, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आंसर करिएगा। बताइए दोस्तों, कोई व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के पद पर कितनी बार चुना जा सकता है, इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। बताइए दोस्तों, कोई व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के पद पर कितनी बार चुना जा सकता है, एक बार, दो बार, तीन बार, या फिर इसकी कोई सीमा नहीं है। सभी लोग जल्दी से आंसर करिए। वेरी गुड दोस्तों, यह सभी टॉप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लास को सभी लोग ध्यान से देखिएगा, पॉलिटी से परीक्षा में जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, कोई सीमा नहीं है इसकी। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, कोई व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के पद पर कितनी बार चुना जा सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं है, डी करेक्ट आंसर होगा आपका। वेरी गुड दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आंसर करिएगा। बताइए दोस्तों, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, यह भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है, यह परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मैंने आपको यह क्वेश्चन बताया भी है। चलिए इसका आंसर करिएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ब्रिटेन। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, भारतीय संविधान में पार्लियामेंट सिस्टम है, यह ब्रिटेन से लिया गया है, ए करेक्ट आंसर होगा आपका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ए दिया है, उनका सही उत्तर है, करेक्ट आंसर है, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 14 के लिए आंसर करिएगा, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। बताइए दोस्तों, भारत में आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है, सभी लोग जल्दी से आंसर करिए। बताइए दोस्तों, भारत में जो आर्थिक नियोजन है, ये किस सूची का विषय है। वेरी गुड, बहुत अच्छे, गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, कंकरेंट लिस्ट। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए भारतीय संविधान में आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है, सभी लोग याद रखिए, समवर्ती सूची सी करेक्ट आंसर होगा आपका। 14 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। अभी क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आंसर करिएगा। बताइए दोस्तों, एकल नागरिकता का प्रावधान भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है, सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। बताइए दोस्तों, भारतीय संविधान में जो एकल नागरिकता का प्रावधान है, ये किस संविधान से प्रेरित है, किस देश के संविधान से, सभी लोग इसका आंसर करिएगा। गुड, देखिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ब्रिटेन। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, ब्रिटेन से लिया गया है एकल नागरिकता का प्रावधान। सभी के करेक्ट आंसर है इस बार। वेरी गुड, बहुत अच्छे, आप सभी के राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 का जिसने भी ऑप्शन नंबर ए दिया है, उनका सही उत्तर है, करेक्ट आंसर है। वेरी गुड, इसी प्रकार से आप लोग आंसर करिएगा। अभी आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। बताइए दोस्तों, लोकसभा का शून्यकाल कितने घंटे का होता है, सभी लोग बताइएगा, लोकसभा का जो शून्यकाल है, ये कितने घंटे का होता है, 4 घंटे का, 3 घंटे का, 1 घंटे का, या फिर 2 घंटे का। वेरी गुड दोस्तों, सभी लोग जल्दी से आंसर करिएगा। बहुत अच्छे, गुड, वेरी गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 1 घंटे का। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, लोकसभा का जो शून्यकाल है, ये 1 घंटे का होता है, सी करेक्ट आंसर होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 16 का जिसने भी ऑप्शन नंबर ए दिया है, उनका सही उत्तर है, करेक्ट आंसर है। वेरी गुड, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। बताइए दोस्तों, शिक्षा के अधिकार को किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में शामिल किया गया था, सभी लोग इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। यह भी जीडी की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, अभी इसका आंसर करिए। बताइए दोस्तों, भारतीय संविधान में शिक्षा के अधिकार को किस संशोधन द्वारा शामिल किया गया था, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 6वां संविधान संशोधन। ये कब हुआ था, परीक्षा में पूछ सकते हैं इस बार, तो आप लोग याद रखिएगा, 2002 में हुआ था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। वेरी गुड, आप सभी करेक्ट आंसर हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 के लिए आंसर करिएगा, सभी लोग क्वेश्चन नंबर 18 के लिए आंसर करिए। बताइए दोस्तों, भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी, इसका आंसर करिएगा, भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी, सभी लोग आंसर करिए, 1961 में, 1950 में, 1947 में, या फिर 1954 में, सभी लोग जल्दी से आंसर करिए। वेरी गुड दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा, 1950 में।
यस ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिए, भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। बी करेक्ट आंसर होगा आपका। 18 का जिसने भी ऑप्शन नंबर बी दिया है उनका सही उत्तर है, करेक्ट आंसर है। इसकी जो स्थापना है दोस्तों 25 जनवरी 1950 को हुई थी, आप लोग याद रखिएगा। इसीलिए प्रतिवर्ष 25 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। यह भी आप लोग याद रखिए, परीक्षा में इस बार आपसे पूछा जा सकता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस का मनाया जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा 25 जनवरी को। बहुत अच्छे आप सभी के करेक्ट आंसर हैं। सीमा गोट, अजय, रिंकू, काजल, मनीषा, जरीना, अभिषेक, अजय, जानवी, नीतू, अमित, रमेश, रश्मि, गोलू, पलक, वेरी गुड, आप सभी के करेक्ट आंसर हैं। दामोदर वेरी गुड, कृष्णा वेरी गुड, काजल गुड, आप सभी के राइट आंसर हैं। रश्मि वेरी गुड, ऑप्शन नंबर भी आपका राइट आंसर होगा। सभी लोग इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 19 के लिए आंसर करिए, इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। बताइए दोस्तों मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र किसे देता है। सभी लोग बताइए मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र किसे देता है, प्राइम मिनिस्टर को, राष्ट्रपति को, राज्यपाल को, या फिर ऑप्शन नंबर डी है विधानसभा अध्यक्ष को। बहुत अच्छे, सभी लोग जल्दी से आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, गवर्नर को। यस ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, आप लोग याद रखिएगा। मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र राज्यपाल को देता है, सी करेक्ट आंसर होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 19 का जिसने भी ऑप्शन नंबर सी दिया है उनका सही उत्तर है, करेक्ट आंसर है, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आंसर करिए। बताइए दोस्तों किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। बताइए दोस्तों किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष, 18 वर्ष, 25 वर्ष, या फिर 30 वर्ष। सभी लोग इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 25 ईयर्स, सी करेक्ट आंसर होगा आपका। यस ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, आप लोग याद रखिएगा। किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, सी करेक्ट आंसर होगा आपका। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 21 के लिए आंसर करिएगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। बताइए दोस्तों उच्च सदन किसे कहा जाता है, यह भी आपकी परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। वेरी गुड, जल्दी से आंसर करिएगा, बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों, सभी लोग आंसर करिएगा। देखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा, राज्यसभा को। यस ऑप्शन नंबर भी आपका राइट आंसर है, आप लोग याद रखिएगा। राज्यसभा को उच्च सदन, अपर हाउस कहा जाता है, बी करेक्ट आंसर होगा आपका। अब देखिएगा परीक्षा में अगर आपसे पूछा जाए निम्न सदन किसे कहते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा लोकसभा को निम्न सदन लोअर हाउस कहा जाता है। चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा, वेरी गुड दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 22 के लिए आंसर करिए। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। बताइए दोस्तों आरटीआई अधिनियम को राष्ट्रपति द्वारा कब स्वीकृति मिली थी। सभी लोग इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, चलिए इसका आंसर करिएगा जल्दी से, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेरी गुड दोस्तों, देखिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा, 15 जून 2005 को। यस ऑप्शन नंबर भी आपका राइट आंसर है, आप लोग याद रखिएगा। आरटीआई अधिनियम को 15 जून 2005 में राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति मिली थी, बी करेक्ट आंसर होगा आपका। जिसने भी ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है, करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 23 है। बताइए दोस्तों कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका डिसीजन कौन लेता है। अभी इसका आंसर करिएगा, बताइए दोस्तों कौन डिसीजन लेता है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, जल्दी से आंसर करिएगा। ऑप्शन दिए गए ऑप्शन इस प्रकार हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष, या फिर संसदीय मामलों के मंत्री। देखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, स्पीकर। यस ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, आप लोग याद रखिए। लोकसभा अध्यक्ष डिसीजन लेते हैं कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो सी करेक्ट आंसर होगा आपका। यस ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 24 के लिए आंसर करिए। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। बताइए दोस्तों भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता संबंधित है। आपको बताना है
भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता संबंधित है, भाग चार, भाग तीन, भाग पांच या फिर भाग दो? सभी लोग जल्दी से आंसर करिए, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, पार्ट टू। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है, आप लोग याद रखिएगा, भाग दो ये नागरिकता संबंधित है, डी करेक्ट आंसर होगा आपका। वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छे, वेरी गुड। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर डी दिया है उनका सही उत्तर है, करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 25 के लिए आंसर करिएगा, अभी इसका आंसर करिए, क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। बताइए दोस्तों, यदि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों पद खाली हो तो जो राष्ट्रपति का पद है इसे कौन संभालेगा? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग बताइएगा। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के दोनों के पद खाली हैं तो आपको बताना है जो राष्ट्रपति का पद है इसे कौन संभालेगा? सभी लोग जल्दी से आंसर करिएगा। बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, मुख्य न्यायाधीश। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, आप लोग याद रखिएगा। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद खाली है तो जो राष्ट्रपति का पद है इसे मुख्य न्यायाधीश संभालेंगे, सी करेक्ट आंसर होगा आपका। वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ हैं, इनका नाम आप लोग याद रखिएगा, करंट का क्वेश्चन आपसे परीक्षा में पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 26 के लिए आंसर करिएगा। बताइए दोस्तों, पंचायती राज किस सूची का विषय है? सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए दोस्तों, पंचायती राज किस सूची का विषय है? संघ सूची, राज सूची, संवर्ती सूची या फिर ननाब्दी, जिनमें से कोई नहीं। सभी लोग जल्दी से आंसर करिएगा। वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छे, बताइए पंचायती राज किस सूची का विषय है? सभी लोग जल्दी से आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, स्टेट लिस्ट, राज्य सूची। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, आप लोग याद रखिए, पंचायती राज साधारण सूची का विषय है, बी करेक्ट आंसर होगा आपका। 27 के लिए आंसर करिए, अभी इसका आंसर करिएगा, क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। बताइए दोस्तों, भारत का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? सभी लोग बताइए, भारत का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर या फिर डिफेंस मिनिस्टर? वेरी गुड, बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, प्रेसिडेंट। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है, आप लोग याद रखिएगा। भारतीय संविधान का संवैधानिक प्रधान या भारत का जो संवैधानिक प्रधान है यह राष्ट्रपति होता है, ए करेक्ट आंसर होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 27 का जिसने भी ऑप्शन नंबर ए दिया है उनका सही उत्तर है, करेक्ट आंसर है। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 28 के लिए आंसर करिएगा, नंबर 28 के लिए। बताइए दोस्तों, राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए किसी भी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? इसका आंसर करिए, क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। बताइए दोस्तों, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए किसी भी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? पहले क्वेश्चन को आप लोग पढ़िएगा ध्यान से, उसके बाद ही आंसर करिएगा। आपसे राज्यसभा का पूछा गया सदस्य बनने के लिए, चलिए सभी लोग आंसर करिएगा। वेरी गुड दोस्तों, गुड, वेरी गुड दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 30 वर्ष, ए करेक्ट आंसर होगा आपका। जिसने भी ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है, आप लोग याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है तो आप लोग याद रखिएगा, 30 वर्ष, ए करेक्ट आंसर होगा। और अगर आपसे पूछा जाए प्रेसिडेंट बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है, तब होती है दोस्तों 35 वर्ष। अलग अलग क्वेश्चन है, इनके बारे में आप लोग याद रखिएगा। यस, 30 वर्ष होती है राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु, ए करेक्ट आंसर होगा आपका। वेरी गुड दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 29 के लिए आंसर करिएगा। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 29 के लिए आंसर करिए। बताइए दोस्तों, पहले अविश्वास प्रस्ताव और दूसरे अविश्वास प्रस्ताव में कितना अंतर होना चाहिए? सभी लोग बताइएगा। वेरी गुड दोस्तों, वेरी गुड, बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग आंसर करिएगा। देखिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 6 महीने। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, आप लोग याद रखिएगा। पहले अविश्वास प्रस्ताव और दूसरे अविश्वास प्रस्ताव में कम से कम अंतर 6 महीने का होना चाहिए, तो सी करेक्ट आंसर होगा आपका।
अब देखिएगा अविश्वास प्रस्ताव, अभी मैंने आपको बताया था, आप लोग याद रखिएगा, हमेशा दोस्तों लोकसभा में लाया जाता है, ये भी आप लोग याद रखिए, इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेरी गुड दोस्तों, इसी प्रकार से आप लोग आंसर करिएगा, बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 के लिए आंसर करिएगा, ये क्वेश्चन मैंने आपको सुबह वाली क्लास में बताया था, तो आप लोग राइट आंसर करिएगा, यह पॉलिटिक क्लास है। चलिए बताइए दोस्तों, राज्यपाल अपने पद पर कब तक रह सकता है? सभी लोग जल्दी से आंसर करिएगा। देखिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, राष्ट्रपति की मर्जी तक। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, आप लोग याद रखिएगा, राष्ट्रपति की मर्जी तक राज्यपाल अपने पद पर रह सकता है, सी करेक्ट आंसर होगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 31 के लिए आंसर करिएगा। बताइए दोस्तों, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से संबंधित है? इसका आंसर करिएगा। बताइए दोस्तों, संसद की दोनों सदनों के संयुक्त बैठक से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, सभी लोग जल्दी से आंसर करिएगा। वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छे, गुड आंसर सभी लोग दीजिएगा। अनुच्छेद से संबंधित परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखिएगा, अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए, पहले सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, यह भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए संसद की जो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक है, इसे बुलाता कौन है? तो आप लोग याद रखिएगा, इस बैठक को राष्ट्रपति बुलाता है, आप लोग याद रखिएगा, लेकिन इसकी जो अध्यक्षता है ये दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष करता है। सभी लोग याद रखिए, लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 108। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, अनुच्छेद 108 संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से संबंधित है, सी करेक्ट आंसर होगा आपका। चलिए वेरी गुड दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, बहुत अच्छे, आरसी वेरी गुड, भारत वेरी गुड, काजल, रिंकू, जानवी, कृष्णा, टिल्लू वेरी गुड, अभिषेक, अजय, जरीना, इमेजिन वेरी गुड, सोनम वेरी गुड, अजय, अमित, काजल, कमांडो, रमेश, आप सभी के करेक्ट आंसर हैं, बहुत अच्छे दोस्तों, आप सभी करेक्ट आंसर हैं, सीमा, काजल, लक्ष्मी, रश्मि, सोनम, आप सभी ने राइट आंसर दिया, वेरी गुड, बहुत अच्छे, इसी प्रकार से आप लोग आंसर करिएगा। सूरज वेरी गुड, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, चलिए इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। अभी क्वेश्चन नंबर 32 के लिए आंसर करिए, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। अब देखिए क्वेश्चन है दोस्तों, मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? बताइए दोस्तों, मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्राइम मिनिस्टर या फिर स्पीकर? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, प्राइम मिनिस्टर, सी करेक्ट आंसर है आपका। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर, आप लोग याद रखिएगा, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है, सी करेक्ट आंसर होगा आपका। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 33 के लिए आंसर करिएगा। बताइए दोस्तों, कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन आयोग से संबंधित है? अभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 33 के लिए, आपको बताना है कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन आयोग से संबंधित है, अनुच्छेद 330, 334, 324 या फिर 320? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अनुच्छेद 324। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, आप लोग याद रखिएगा, यह अनुच्छेद 324 है, ये निर्वाचन आयोग से संबंधित है, सी करेक्ट आंसर होगा आपका। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, बहुत अच्छे, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, चलिए इसका आंसर करिए दोस्तों, 34 के लिए आंसर करिएगा। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 34 के लिए आंसर करिए। बताइए दोस्तों, भारत का संविधान कैसा संविधान है? बहुत अच्छे, इसका आंसर करिएगा, सभी लोग आंसर करिए, राइट या रॉन्ग आप लोग आंसर करिए दोस्तों। बताइए भारत का संविधान कैसा संविधान है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, धर्मनिरपेक्ष, ये करेक्ट आंसर है आपका। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है, आप लोग याद रखिएगा, अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए भारत का संविधान कैसा संविधान है, आप लोग याद रखिएगा, धर्मनिरपेक्ष संविधान है, ए करेक्ट आंसर होगा। सभी लोग इसे याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, 35 के लिए आंसर करिए। अभी मैंने आपको यह क्वेश्चन बताया था, एक्स्ट्रा फैक्ट में अभी मैंने आपको यह क्वेश्चन बताया था, तो आप लोग राइट आंसर करिएगा। बताइए दोस्तों, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? सभी लोग जल्दी से आंसर करिए, वेरी गुड, बहुत अच्छे। ये वाली डेली आपकी क्लास होती है शाम को 3 बजे, डेली सभी लोग लाइव सेशन को ज्वाइन कीजिएगा,
अगली क्लास हमारी शाम को 8 बजे होगी, उसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सभी लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। देखिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 35 ईयर्स। यस ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। डी करेक्ट आंसर होगा आपका, इसका आंसर करिएगा। 36 के लिए आंसर करिए सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 36 के लिए आंसर करिए। अब देखिए क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन एवं सलाह देने हेतु एक मंत्री परिषद की व्यवस्था की गई है। सभी लोग इसका आंसर करिएगा, जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अनुच्छेद 74। यस ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन एवं सलाह देने हेतु एक मंत्री परिषद की व्यवस्था की गई है। ए करेक्ट आंसर होगा आपका, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है इसे आप लोग याद रखिएगा। 36 का जिसने भी ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है, करेक्ट आंसर है, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 37 के लिए आंसर करिएगा, क्वेश्चन नंबर 37 के लिए आंसर करिए। बताइए दोस्तों, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस संविधान से ली गई है? इसका आंसर करिएगा, यूएसए, कैनेडा, जर्मनी या फिर ऑस्ट्रेलिया। सभी लोग जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। बताइए दोस्तों, भारतीय संविधान में जो समवर्ती सूची है ये किस देश के संविधान से ली गई है? सभी लोग आंसर करिए, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑस्ट्रेलिया। यस ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है भारतीय संविधान में समवर्ती सूची। डी करेक्ट आंसर होगा, वेरी गुड, बहुत अच्छे। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 38 है। अभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 38 के लिए, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए दोस्तों, निम्न में से किस संविधान संशोधन के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था? सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए दोस्तों, निम्नलिखित किस संविधान संशोधन के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था? ऑप्शन इस प्रकार है, 42वें, 43वें, 44वें या फिर 39वें। वेरी गुड दोस्तों, आंसर सभी लोग दीजिएगा, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टॉप के क्वेश्चन है, गुड, जल्दी से आंसर करिए। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। यस ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, सभी लोग याद रखिएगा, 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जो मौलिक कर्तव्य है इनको भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। आप लोग याद रखिएगा, परीक्षा में एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो 42वां संविधान संशोधन है ये कब हुआ था, तो आप लोग याद रखिएगा 1976 में। ये भी आप लोग याद रखिए, इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन अभी हो चुका है, आगे बढ़ते हैं, आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सभी लोग आंसर करिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 39 के लिए, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। गुड इवनिंग, बताइए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आपको बताना है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? सभी लोग जल्दी से आंसर करिएगा, वेरी गुड दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, जो क्वेश्चंस का लेवल है, प्रश्नों का स्तर यही रहता है परीक्षा में। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, अनुच्छेद 24। यस ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, अनुच्छेद 24 बच्चों के शोषण से संबंधित है। डी करेक्ट आंसर होगा आपका। 39 का जिसने भी ऑप्शन नंबर डी दिया है उनका सही उत्तर है, करेक्ट आंसर है, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 40 के लिए आंसर करिएगा। बताइए दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? अभी आपको बताना है, भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्ष का, 4 वर्ष का, 5 वर्ष का या फिर 3 वर्ष का? इसका राइट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 5 वर्ष का। यस ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, भारत के उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल है ये 5 वर्षों का होता है। सी करेक्ट आंसर होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 40 का जिसने भी ऑप्शन नंबर सी दिया है उनका सही उत्तर है, करेक्ट आंसर है, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। आंसर करिए अभी सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 41 के लिए आंसर करिएगा। बताइए दोस्तों, कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है?
सभी लोग जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए दोस्तों, कौन सा अनुच्छेद अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने संबंधित है? इसका आंसर करिएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अनुच्छेद 51। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, जो अनुच्छेद 51 है ये अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है। बी करेक्ट आंसर होगा आपका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर बी दिया है उनका सही उत्तर है, करेक्ट आंसर है। वेरी गुड दोस्तों, चलिए इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। अभी क्वेश्चन नंबर 42 के लिए आंसर करिए। बताइए दोस्तों, राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? सभी लोग बताइएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? वित्त मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, प्राइम मिनिस्टर या फिर उपराष्ट्रपति? लगभग 60 क्वेश्चन होंगे आज की क्लास में। चलिए इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। वेरी गुड दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, प्राइम मिनिस्टर। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री होते हैं। तो सी करेक्ट आंसर होगा आपका। वेरी गुड दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 43 के लिए आंसर करिएगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। बताइए दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? सभी लोग इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, संशोधन प्रक्रिया से। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद 368 है यह संविधान संशोधन प्रक्रिया संबंधित है। बी करेक्ट आंसर होगा आपका। अब परीक्षा में आपसे क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान में जो संशोधन प्रक्रिया है यह किस देश के संविधान से प्रेरित है या फिर किस देश के संविधान से ली गई है? तो आप लोग याद रखिएगा, साउथ अफ्रीका से ली गई है। यह भी इंपॉर्टेंट है सभी के लिए, याद रखिएगा इसे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 44 के लिए आंसर करिए। बताइए दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक से संबंधित है? सभी लोग जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक से संबंधित है? वेरी गुड दोस्तों, सभी लोग आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अनुच्छेद 110। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, जो अनुच्छेद 110 है यह भारतीय संविधान में धन विधेयक से संबंधित है। तो बी करेक्ट आंसर होगा आपका। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुड, इसी प्रकार से आप लोग आंसर करिएगा। चलिए बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? यह आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, स्वतंत्रता का अधिकार, नौकरी का अधिकार, या फिर ननौदी, जिनमें से कोई नहीं। वेरी गुड दोस्तों, देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, नौकरी का अधिकार। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, नौकरी का अधिकार ये दोस्तों फंडामेंटल राइट नहीं है। बी करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए, अगर हम फंडामेंटल राइट की बात करें, भारतीय संविधान में कितने फंडामेंटल राइट है? छह। आप लोग याद रखिएगा, छह मौलिक अधिकार हैं। जब संविधान बना था उस समय दोस्तों 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन बाद में जो संपत्ति का अधिकार था इसे हटा दिया गया। अब परीक्षा में एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि संपत्ति का अधिकार ये किस प्रकार का अधिकार है, तो आप लोग याद रखिएगा, वैधानिक अधिकार है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, फंडामेंटल राइट वर्तमान में कितने हैं भारतीय संविधान में? 6 फंडामेंटल राइट हैं। अनुच्छेद 12 से 35 तक ये संविधान में वर्णित हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा, और भाग 3 में है, ये भी आप लोग याद रखिए। परीक्षा में पूछ सकते हैं किस भाग में है, तो आप लोग याद रखिएगा, भाग 3 में है। वेरी गुड दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है फंडामेंटल राइट से संबंधित कि ये किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो आप लोग याद रखिएगा, यूएसए से लिए गए हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसका आंसर करिएगा। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। बताइए दोस्तों, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? सभी लोग 46 के लिए आंसर करिएगा। बताइए दोस्तों, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? देखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, प्रेसिडेंट। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिए, राष्ट्रपति भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है। ए करेक्ट आंसर होगा आपका। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 47 के लिए आंसर करिएगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। बताइए दोस्तों, भारतीय संसद में क्या शामिल है?
या इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, भारतीय संसद के कितने अंग हैं? सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों, गुड। सभी लोग जल्दी से आंसर करिएगा। अमन वेरी गुड, प्रिया, सीमा, भारत आपके राइट आंसर हैं। अमित, अभिषेक, अजय, आरसी वेरी गुड, सूरज, इमेजिन, सोनम, मनीषा, रिंकू वेरी गुड, आप सभी के राइट आंसर हैं। जानवी, सोनम चौधरी, बॉय वेरी गुड, सूरज, कृष्णा, आप सभी के राइट आंसर हैं। डी करेक्ट आंसर होगा आपका। रमेश वेरी गुड, आप सभी के राइट आंसर हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आप लोग तो याद रखिएगा, भारतीय संविधान के तीन अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, तो डी करेक्ट आंसर होगा आपका। इसे आप लोग याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 48 के लिए आंसर करिएगा। अभी क्वेश्चन नंबर 48 के लिए आंसर करिए। बताइए दोस्तों, राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है? इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 48 के लिए। बताइए दोस्तों, राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है? वेरी गुड दोस्तों, आंसर सभी लोग दीजिएगा, राइट आ रहा होगा, आप लोग आंसर करिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मुख्य न्यायाधीश। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है, आप लोग याद रखिएगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाते हैं, ए करेक्ट आंसर होगा आपका। सभी ने राइट आंसर दिया, वेरी गुड, बहुत। 49 के लिए आंसर करिएगा। बताइए दोस्तों, भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? वेरी गुड दोस्तों, देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा 22। यस, ऑप्शन नंबर भी आपका राइट आंसर है, आप लोग याद रखिए। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, बी करेक्ट आंसर होगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 50 के लिए आंसर करिए। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। बताइए दोस्तों, भारतीय संविधान में या भारत में किस संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है? इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। बताइए दोस्तों, लघु संविधान किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 42वां संविधान संशोधन। यस, ऑप्शन नंबर भी आपका राइट आंसर है, आप लोग याद रखिएगा। जो 42वां संविधान संशोधन है इसे लघु संविधान भी कहते हैं, बी करेक्ट आंसर होगा आपका। अभी मैंने आपको बताया था 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1976 में हुआ था, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 51 के लिए आंसर करिएगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 51 के लिए। सभी लोग आंसर करिए। बताइए दोस्तों, संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? सभी लोग क्वेश्चन नंबर 51 के लिए आंसर करिएगा। बताइए दोस्तों, संविधान में जो उद्देश्य प्रस्ताव है ये किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू या फिर बाल गंगाधर तिलक? देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जवाहरलाल नेहरू द्वारा। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, आप लोग याद रखिएगा। जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारतीय संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया था, सी करेक्ट आंसर होगा आपका। जवाहरलाल नेहरू ये भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर थे, इसके साथ ये भारत के पहले विदेश मंत्री भी थे, ये भी आप लोग याद रखिएगा। परीक्षा में पूछ लेते हैं कि भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे, तो आप लोग याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 52 के लिए आंसर करिएगा। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 52 के लिए आंसर करिए। बताइए दोस्तों, कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज स्थापित करता है? इसका आंसर करिएगा 52 के लिए। वेरी गुड दोस्तों, यस, आज आपकी हिंदी की क्लास नहीं हुई है, कल से डेली क्लास आपकी हिंदी की होगी शाम को 3 बजे, आज आपकी नहीं हुई है। देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा। वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा आपका, अनुच्छेद 40। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, आप लोग याद रखिएगा, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 40 ये पंचायती राज स्थापित करता है, सी करेक्ट आंसर होगा। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परीक्षा में सी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन एग्जाम तक आपको आएगी। चलिए इसी लेवल के क्वेश्चन आते हैं परीक्षा में, आप लोग प्रीवियस ईयर देख सकते हो, डेली आपकी क्लास होती है शाम को 8 बजे, तो उसमें आप लोग देख सकते हो जो प्रश्नों का लेवल है परीक्षा में यही रहता है, इस दिन नहीं पूछे जाते। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसका आंसर करिएगा सभी लोग। अभी ये क्वेश्चन हो चुका है दोस्तों, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसका आंसर करिएगा सभी लोग, इसका आंसर करिए। वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छे, गुड।
चलिए इसका आंसर करिए, क्वेश्चन नंबर 53 है। सभी लोग बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। 53 के लिए आंसर करिएगा। अब देखिए क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की कार्रवाई किस सदन में शुरू की जा सकती है। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छे आंसर सभी लोग दीजिए, राइट या रॉन्ग। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, दोनों में से किसी भी सदन में। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रपति के विरुद्ध जो महाभियोग की कार्रवाई है, ये दोस्तों लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है। तो सी करेक्ट आंसर होगा आपका। 53 का जिसने भी ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है, डी करेक्ट आंसर आपका नहीं होगा। किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है, दोनों में से सी करेक्ट आंसर होगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर का अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 54 है। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 54 के लिए आंसर करिए। बताइए दोस्तों, भारत के संविधान के नीति निदेशक सिद्धांतों का प्रमुख उद्देश्य क्या है। अभी इसका आंसर करिएगा, यह सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टॉप के क्वेश्चन है। इसी में ऐसे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो क्लास को ध्यान से देखिएगा, जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताए जाए उसे भी आप लोग ध्यान से सुनिएगा, इसी में ऐसे पूछे जाएंगे परीक्षा में। चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 54 के लिए आंसर करिए। बताइए दोस्तों, भारतीय संविधान में जो नीति निर्देशक सिद्धांत है, इनका प्रमुख उद्देश्य क्या है। बहुत अच्छे, देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, कल्याणकारी राज की स्थापना। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 55 के लिए, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 55 के लिए। बताइए दोस्तों, राज्यसभा का सभापति कौन होता है। क्वेश्चन नंबर 55 के लिए आंसर करिएगा। बताइए दोस्तों, राज्यसभा का सभापति कौन होता है। स्पीकर, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा का उपाध्यक्ष या फिर प्रेसिडेंट। लोग जल्दी से आंसर करिएगा। वेरी गुड दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, वाइस प्रेसिडेंट। यस, ऑप्शन नंबर भी आपका राइट आंसर है, आप लोग याद रखिएगा, राज्यसभा का सभापति वाइस प्रेसिडेंट होता है, बी करेक्ट आंसर होगा आपका। यस, ऑप्शन नंबर भी आपका राइट आंसर है। वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छे, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने भारतीय संविधान से संबंधित 55 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए विद एक्स्ट्रा फैक्ट। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। सो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। आज की क्लास में हमने भारतीय संविधान से संबंधित 55 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए विद एक्स्ट्रा फैक्ट। आई होप आप सभी को ये समझ आए होंगे क्वेश्चन, इसी लेवल के क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगली क्लास हमारी शाम को 8 बजे है, उसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जीके के, तो सभी लोग लाइव सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। चलिए इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।